बजे बच्चा गिरा, कैसे गिरा? 3 बजे के लगभग गिरा बच्चा। वो इधर से आ रहा, मैं उधर से आ रहा, उसके पाँव उस बोर में गिर गए। मैं फिर पुकारा मेरे देवर इधर आके, फिर मैंने फोन कर दिया प्रसादन के पास। फिर उस प्रसादन आए, दो घंटे आ गए। मैंने जैसे दोसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी SDM वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी, मैंने CEO मान यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग, और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई, वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और यहाँ पे करीब 3 से 4 JCB लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के, और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले, ये ऐसी दुआएं करें हम लोग। क्या स्थिति, बच्चे कितने गिरे हैं, क्या क्या राहगारी चला दी है? बिल्कुल, अभी तकरीबन 150 फीट के आसपास बच्चा अभी है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है, SDRF की टीम हमारी पहुंच गई है, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है, साथ में JCB के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है, और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा PHD PWD SDRF NDRF पुलिस द्वारा किया जा रहा है ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। बच्चे की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी तो उनसे बात हो पा रही है, तो अभी क्योंकि 150 फीट पर है तो डिटेल में बताया मैं तो मुश्किल है, लेकिन अभी बच्चे की स्थिति ठीक है। देखिए, अभी रैंप बनाने का काम चल रहा है, जो साइड में टनल बनाने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वो चालू है, और साइड में रैंप बन रहा है, और कम से कम 6-7 LNT मशीनें लगी हुई हैं, और जो अपना स्टैंडर्ड है कि साइड में एक टनल बना करके और उसको निकाला जाए, एक सिस्टम वो है। दूसरा, अभी यहाँ SDRF की टीम आ चुकी है और उनके पास दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल बच्चे के जो करीब 150 फीट नीचे जो है अटके होने की संभावनाएं आ रही हैं, और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन दी जा रही है, और होप है कि जल्दी ही हम कुछ कर पाएंगे इसमें। हाँ साहब, मैं यहाँ पे थाना है, ये दोनों माँ बेटा था, साथ ले गए थे लेके, और इसकी माँ इसका अपने रंज का काज निभा रखे थे, उसकी तरफ जा रहा था ये, और उसके आगे पीछे आ रहा थे, और उसके बाद में आने के बाद में वो आगे आ गया था, तो उसने पैर घिसल गया, उसका पता नहीं था, और उसकी मम्मी आए तो पास ऐसे उन्हें पता लग गया कि इसमें घिसल गया, तो इन्हें और पकड़ा मंगाया था। इसका मेरा छोटा वाला भाई था, उससे बोला इसने कि कैसे गिरा, उसने गिर गया, तो इसने फोन वोन लगाया, कहाँ भी उधर उधर मेरे पास फ़ोन लगाया, तो बाजार से आया तो उसने बोला कि यार बच्चा इसमें गिर गया, तो इधर उधर फ़ोन लगाया, तो मास्टर में तुरंत आया, फिर मैंने भी कहीं इधर उधर कोशिश करी, फोन वोन लगाया, तो ऐसी बात है। कितना गिरा है बोरवेल? बोर मतलब 180 के लगभग था, लेकिन बाकी का और तो माटी गिरी हुई इसमें।